हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी एक माँ और उसकी 11 साल की बेटी की है जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक सेफ रूम मिलता है जिसे किस लिए बनाया गया था ये उन्हें नहीं पता, पर एक रात वो सेफ रूम उनके लिए जान की मुसीबत बन जाता है। ये कैसे होता है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैग नाम की औरत से जिसका कुछ साल पहले डिवोर्स हुआ। वो अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में जा रही है क्योंकि वो अभी तक अपने हस्बैंड के दिए हुए घर में ही रह रही थी। आज उसने कई सारे घर देखे हैं और इस बारी उसे ब्रोकर एक मिलियनर का घर दिखाता है जो कि अब मर चुका है, लेकिन उसकी फैमिली ने यह प्रॉपर्टी सेल में लगा दी है। अब घर में घुसते ही वो घर उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सबसे बड़ी बात थी कि वो साफ सुथरा था। ये चीज़ मैग को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, लेकिन तभी ब्रोकर उन्हें थर्ड फ्लोर पर बनी एक ऐसी चीज़ के पास ले जाता है जो मैग को सोच में डाल देती है। दरअसल ये एक बंकर था या फिर एक सेफ रूम, हम किसी भी नाम से इसे बुला सकते हैं। वो ब्रोकर बताता है कि इससे पहले वाले ओनर के पास उस ज़माने में काफ़ी पैसे हुआ करते थे, इसलिए उसने ये बनाया ताकि कभी भी कुछ खतरा आए तो वो इसका इस्तेमाल कर सके और ख़ुद को बचा सके। वहाँ पर कई सारे टीवीज भी रखे हुए थे जिसमें पूरे घर की कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही थी और चारों ओर मोटी स्टील की परत बनी हुई थी। इसके गेट पे ब्लू रेज भी थी जिसमें करंट दौड़ते थे, अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश करी तो वो मारा जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली बात ये थी कि यहाँ पर एक ऐसा फ़ोन था जो हमेशा चलता रहेगा, पर इस फ़ोन को चालू करने के लिए उसे कंपनी को कहकर इसे स्टार्ट करवाना पड़ेगा। खैर, अब मैग को इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे घर में रहना है, ना कि उस लॉकर रूम में, और घर तो उसे काफ़ी पसंद आता है इसलिए वो उसे खरीद लेती है। अपने सारे सामानों को शिफ्ट भी कर देती है, धीरे धीरे करके उसकी लाइफ नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक रात आती है जो उसकी सारी ज़िंदगी याद रहने वाली थी। ऐसा क्या होने वाला है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कुछ दिनों बाद जब दोनों माँ बेटी सो रहे होते हैं तभी इनके घर के बाहर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उन्हीं के घर पर झांक रहे थे। इनमें से एक आदमी पहले तो गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता क्योंकि अंदर से वो लॉक था, इसलिए एक आदमी जिसका नाम थॉमस होता है वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ता है और फिर वहां जाकर बालकनी के गेट को खोल देता है और फिर अंदर आकर मेन गेट को भी खोल देता है जिससे कि सभी लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन इतनी देर में बर्मन, जो कि इन्हीं का एक साथी था, वो देखता है कि घर में माँ और बेटी भी है और उसे बताया गया था कि घर में इस टाइम कोई नहीं होगा, तभी वो माना था इस चोरी को करने के लिए। ये जानकर वो अपने साथी रॉनिन से कहता है कि मैं इस घर में चोरी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली है, ऐसे लोगों को मार कर मैं चोरी नहीं करता। अब यहाँ एक और बात पता चलती है कि जो रॉनिन असल में इस घर में रहने वाले ओनर का ग्रैंडसन होता है और उसी ने इस चोरी के प्लान को बनाया था, और अगर कोई इस घर में पहले से मौजूद होगा तो वो उसके लिए एक हिटमैन को भी लेकर आया था जो लोगों को पैसों के लिए मार देगा। पर अभी भी बर्मन तैयार नहीं होता और वो जाने लगता है क्योंकि ये सब उसे सही नहीं लग रहा था। उसके जाते हुए देखकर रॉनिन बताता है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या, मैं तुम्हें बता दूं कि इस घर में पूरे $3 मिलियन मिलेंगे। अब ये सुनकर वो रुक जाता है क्योंकि इस समय उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। और यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होती है। इधर जब ऊपर मैग वॉशरूम के लिए जाती है, सोने से पहले वो एक बारी पैनिक रूम की लाइट को ऑन करके देखने लगती है, फिर जाकर सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसने लाइट तो ऑफ करना ही भूल गई है। लेकिन जब उसकी नज़र सारे मॉनिटर पर पड़ती है जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि घर में 3 चोर घुस आए, इसलिए वो फौरन सारा के पास जाती है और उसे उठाकर घर के बाहर ले जाने लगती है। लेकिन इतने में रॉनिन मैग को भागते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि उन्हें उन तीनों के बारे में पता चल चुका है। लेकिन यहाँ मैग लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करती है, पर तभी सारा उसे बताती है कि हमें उस रूम में जाना चाहिए, वहाँ हम सेफ रहेंगे। तो वो फौरन थर्ड फ्लोर पर पहुँचते हैं, लेकिन इतनी देर में वहाँ रॉनिन भी पहुँच चुका था, पर मैग बड़ी ही चालाकी से उसके रास्ते में एक चेयर रख देती है ताकि इतनी देर में वो रूम की ओर चली जाए, और ऐसा ही होता है। दोनों तुरंत अंदर जाती हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। अब दोनों माँ बेटी बहुत ही डरे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये लोग चाहते क्या है। अब यहाँ पर रॉनिन बहुत इरिटेट होने लगता है क्योंकि वो असल में जिस रूम की तलाश में था वो वही सेफ रूम था और उसी के अंदर वो पैसे रखे हुए हैं। लेकिन ये बात अभी तक मैग को पता नहीं है। उधर अंदर सेफ रूम में मैग अपना फ़ोन ढूंढती है, लेकिन वो तो बेडरूम में ही छूट गया, इसलिए वो उस रूम में लगे हुए फ़ोन को चेक करने लगती है, लेकिन वो तो उसने ऑन ही नहीं करवाया। वही हिटमैन अपने लोगों से कहता है कि कहीं उसने पुलिस को फ़ोन तो नहीं कर दिया, हम सब पकड़े जाएंगे। लेकिन बर्नन बताता है कि ऐसा नहीं है, उसे ऐसा करने के लिए पहले उस फ़ोन को एक्टिवेट करना पड़ेगा जिसके लिए उसे हमारी कंपनी में कॉल करनी पड़ेगी। दरअसल जिस कंपनी में वो लॉकर है उसी कंपनी में बर्नन काम करता है और उसे उस जगह के बारे में A to Z सब कुछ पता है। लेकिन इधर दूसरी साइड मैग को एक बटन मिलती है जिसे प्रेस करने में वो घर के पूरे स्पीकर में एक साथ बोल सकती थी, तो वो उसमें बोलना शुरू करती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो कुछ ही देर में आ रही है। लेकिन यहाँ कैमरा में देखकर बर्नन उसे इशारे में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जिसे देखकर मैग हैरान थी कि आखिर उसे ये बात कैसे पता है।
इसके बाद वो स्पीकर में उनसे कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब ले लो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ रॉनी ने पेपर पर लिखकर उसे बताता है कि हमें जो चाहिए वो असल में उसी सेफ रूम में, इसलिए तुम लोग बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैग कहती है कि मैं चोरों पर भरोसा नहीं करती, तुम्हें जितनी देर खड़े रहना है खड़े रहो, मैं और मेरी बेटी यहाँ से बाहर तो नहीं आने वाले। तो रॉनिन बर्नन से पूछता है कि तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जहाँ से हम उस रूम में घुस सके। लेकिन वो उसे समझाता है कि ऐसा कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है, जब तक उसे कोई अंदर से ना खोले हम अंदर नहीं जा सकते। तभी रॉनिन को एक आइडिया आता है, वो हिटमैन से कहकर उस जगह के फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देता जिसके ऊपर ये रूम बना हुआ था। लेकिन यहाँ बर्नन उसे फिर से समझाता है कि मैं ऐसे रूम पिछले 24 सालों से बना रहा हूँ, अगर इसमें जाना इतना आसान होता तो कोई भी इसे अपने घर पर नहीं लगवाता। उसकी कही हुई बात सच भी होती है क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें वॉल के पीछे एक स्टील की प्लेट दिख जाती है और अब उसे तोड़ पाना मुश्किल था। अब इस तोड़म ताड़ी की आवाज ऊपर बैठे दोनों को सुनाई देती है तो सारा अपनी मॉम से कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम इस रूम में हैं हम सेफ हैं। लेकिन वहाँ नीचे रॉनिन के दिमाग में एक और आइडिया आता है कि क्यों ना हम उस रूम में जाने वाली पाइप में जहरीली गैस को छोड़ दें, जिससे उन दोनों का दम घुटने की वजह से वो दोनों बाहर जरूर आएंगे। ये आइडिया सभी को सही लगता है, इसलिए वो सिलेंडर लेकर आते हैं और उसकी पाइप को उस दूसरी पाइप में जोड़ देते हैं और थोड़ी ही देर में गैस पूरे रूम में फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ सारा रूम में दो सूटकेस को खोलती है जिसके अंदर बहुत सी जरूरत के सामान थे, जिसकी मदद से वो कुछ दिन सर्वाइव कर सकती है। उसी में उसे एक फायर जैकेट भी मिलती है और लाइटर भी। मैग अपने और बेटी के ऊपर फायर जैकेट डाल लेती है और उस पाइप में लाइटर को जला देती है, जिससे कि वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसमें रॉनिन का हाथ भी जल जाता है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और उसका प्लान यहाँ पर उल्टा पड़ गया था। अब वो चीख चीख कर कहता है कि मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे पैसे मिले या फिर ना मिले। अब यहाँ पे सारा उस सूटकेस में और भी चीज़ें ढूंढना शुरू करती है, जिसमें उसे टॉर्च मिलती है और भी उसकी नज़र एक होल पर पड़ती है जिसमें से उसे सामने वाला घर दिख रहा था। अब वो उस टॉर्च को उस पर फ्लैश करना शुरू करती है, शायद वो सामने वाला पड़ोसी उन्हें देख ले। अब यहाँ इनकी किस्मत अच्छी भी होती है, वो आदमी जाग जाता है, जिसके बाद ये लोग तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पर उसे ये कोई नॉर्मल लाइट लगती है, इसलिए वो अपने गेट को बंद करके दोबारा सो जाता है और यहाँ पर इनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। और अब इन्हें ये लगने लगता है कि शायद ये लोग यहाँ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन तीनों ने पहले ही घर के सारे खिड़की दरवाजों को सील कर दिया था और जब तक पैसे नहीं वो मिलेंगे वो यहाँ से नहीं जाने वाले। यहाँ मैं कैमरा में देखती है कि वो तीनों आपस में लड़ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, इसलिए अपनी बेटी से कहकर गेट को खुला रहने को बोलती है और खुद भागते हुए रूम में जाती है और वहाँ से अपना फ़ोन लेकर वापस आ जाती है। लेकिन इतने में नीचे उन्हें पता चल जाता है कि गेट खुल चुका है। वो तीनों भागते हुए ऊपर आते हैं, लेकिन तब तक वो अंदर जा चुकी थी। अब बाहर सभी इसी क्यूरोसिटी में थे कि आखिर वो अंदर क्या लेकर गई है। तभी हिटमैन को वहाँ पर चार्जर पड़ा हुआ मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके हाथ में मोबाइल लग चुका है। अब इधर अंदर मैग तुरंत अपने एक्स हस्बैंड को कॉल लगाती है, लेकिन अफसोस कि यहाँ नेटवर्क नहीं था। तभी मैग को ध्यान आता है कि अगर वो किसी दूसरे फ़ोन की लाइन को इस मोबाइल से कनेक्ट कर दे तो वो फिर आसानी से कॉल लगा सकती है, इसलिए वो एक शाफ्ट को खोलती है और उसमें जा रही फ़ोन लाइन को बीच से काट कर रूम में ले आती है और उस मोबाइल में लगा देती है और फौरन स्टीफन को कॉल लगाती है और बताती है कि उनके घर में कोई घुस गया है। लेकिन इतनी देर में लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि बाहर बर्नन को पता चल चुका था कि उसने किसी को फ़ोन किया। अब इन सब चीज़ों को देखकर रॉनिन हार जाता और कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। असल में उसका आधा फेस भी जल चुका था, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले वो बताता है कि उस सेफ रूम में 3 मिलियन से ज़्यादा पैसे हैं और ये सुनते ही हिटमैन उसे गोली मार देता ताकि वो बाहर जाकर किसी और को ये बात ना बता सके। ये सब सारा देख लेती है और फौरन अपनी मॉम को बताती है। इतनी देर में हम एक आदमी को घर के गेट पर देखते हैं। अब ये असल में कोई और नहीं बल्कि स्टीफन होता है, जिसने पुलिस को ना बुलाकर खुद आना बेहतर समझा, लेकिन इसी में उसने गलती कर दी। खैर, अब हिटमैन उसे पकड़ लेता है और बर्नन से कहता है कि इसे पूछो कि ये कौन है। तो वो उसके आईडी को देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये असल में सारा के डैड है। लेकिन यहाँ हिटमैन के दिमाग में अब खून सवार हो गया था। वो बर्नन के सिर पर बंदूक तान कर कहता है कि मुझे जैसे भी कर उस गेट के अंदर ले चलो, वरना मैं तुम्हें भी यहीं मार दूंगा। पर वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिसे तंग आकर वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। वो स्टीफन का आईडी कैमरा में दिखाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अब वो स्टीफन को उनके सामने ही मारना शुरू कर देता है ताकि वो दोनों डर कर गेट से बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ पर इससे बड़ी एक और मुसीबत आ जाती है मैक के लिए। अब सारा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे डायबिटीज़ है, अगर उसे कुछ ही देर में दवा नहीं मिली तो वो मर भी सकती है। मैक अब परेशान हो जाती है कि आखिर वो करी तो करे क्या। अब इतनी देर में वो कैमरा में देखती है कि वो लोग किसी को लेकर नीचे जा रहे हैं, शायद बर्नन और हिटमैन के बीच में लड़ाई हुई। तभी वो दूसरे कैमरा में देखती है
कि बर्नन हिटमैन को घसीटते हुए नीचे लेकर जा रहा है, यानी कि ये सही मौका है दवाइयां लाने का। इसलिए वो बड़े ही सोच समझकर गेट के बाहर जाती है और वहाँ रूम में देखती है कि स्टीफन जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो फौरन किचन में जाती है और मेडिसिन को ले लेती है, लेकिन ऊपर जाते समय वो हिटमैन को स्टीफन के कपड़ों में देख लेती है। दरअसल उन्होंने एक दूसरे के कपड़ों को चेंज कर लिया था ताकि मैग इनके जाल में फंस सके, और ऐसा होता भी है। सेफ रूम के कुछ ही दूरी पर हिटमैन मैग को देख लेता और कहता है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो, लेकिन मैग को कैसे भी करके उस लॉकर तक पहुंचना है क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में है। और इसीलिए वो उसे धक्का देकर वहां से ऊपर की ओर भागना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही उस लॉकर के गेट पर जाती है वहां उसे पहले ही बर्नन खड़ा हुआ मिलता है, और इतनी देर में पीछे से हिटमैन आ जाता है जो उसे उठाकर फेंक देता है, जिसके चक्कर में उसके हाथ से वो दवा भी गिर जाती है। लेकिन अब दोनों ही उस रूम के अंदर होते हैं और बाहर मैग के पास वो बंदूक थी, इसलिए बर्नन तुरंत गेट को बंद करने लगता है, लेकिन मैग इतनी देर में अपनी बेटी की दवा उस रूम में फेंक देती है। यहाँ पर जल्दीबाजी में गेट में हिटमैन की उंगली भी फंस जाती है, जिस वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू करता है और गेट को खोलने को कहता है, पर यहाँ बर्नन उसे बताता है कि मैग के पास बंदूक है, अगर हम बाहर गए तो पक्का वो हमें मार देगी। उनकी ये बात ही मैग सुन लेती है और बंदूक को उठाकर उस रूम की ओर कर देती है। वो बस अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन यहाँ वो बेबस थी क्योंकि उसकी बेटी अंदर मर रही है, इसलिए वो फौरन बर्नन से कहती है कि उसकी बेटी को वो दवा दे दे। वो वादा करती है कि वो उन्हें कुछ नहीं करेगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बर्नन कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले तुम नीचे जाओ। वो नीचे चली जाती है, जिसके बाद बर्नन गेट को खोलता है ताकि हिटमैन की उंगली छूट सके, और फिर वो सारा को मेडिसिन दे देता है। उससे बताता है कि मेरी भी तुम्हारी तरह एक बेटी है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि अगर तुमने किसी को बाहर अंदर आने दिया या फिर पुलिस को कॉल किया तो मैं तुम्हारी बेटी का वही असर करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तभी अचानक से गेट पर कोई आता है, और ये कोई और नहीं बल्कि पुलिस थी, जिसे स्टीफन ने यहाँ आने से पहले ही कॉल कर दिया था। लेकिन मैग कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप लोग यहाँ से चले जाइए सर। वो ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का डर है तो हमें बस एक आँख झपका कर इशारा कर दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती वो, क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान बचानी है। उधर ऊपर रूम में बर्नन उस लॉकर में लगी तिजोरी को फाइनली तोड़ देता है और फिर उसके अंदर रखे नोट बैरल को निकाल लेता है, जो असल में 3 मिलियन के नहीं बल्कि 22 मिलियन डॉलर के थे, जिन्हें लेकर वो बाहर आने लगते हैं। पर यहाँ उनका सामना हो जाता है स्टीफन से, जिसके साथ में बंदूक थी और निशाने पर था बर्नन। लेकिन सारा कहती है कि उन्हें मत मारो, वो कहता है कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन इतनी देर में पीछे से मैग एक हथौड़ा लेकर आती है और हिटमैन के सर पर दे मारती है, जिसे वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिरता है। और यहाँ बर्नन खिड़की को तोड़कर भागने लगती है, वहाँ अंदर हिटमैन फिर से खड़ा हो जाता है और ऊपर आने लगता है। यहाँ स्टीफन उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज़ बाहर बर्नन सुन लेता है, और उसे इस बात का डर था कि कहीं उस बच्ची को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो वापस अंदर जाता है और देखता है कि हिटमैन सारा को मारने ही वाला है। लेकिन इतनी देर में वो उसे गोली मार देता है, जिससे सारा की जान बच जाती है, और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो दीवारों को फांदता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसके हाथ में जो 22 मिलियन डॉलर के बैरल थे वो उन्हें छोड़ देता है और वो हवा में उड़कर कहीं और चले जाते हैं। अब यहाँ उसने सबकी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि वो अच्छा इंसान था, लेकिन पैसों की तलब किसी भी अच्छे इंसान को बुरा बना सकती है, और यहाँ बर्नन के साथ भी यही हुआ था। अब 2 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम माँ और बेटी को देखते हैं जो नए घर की तलाश में अब दोबारा से लग गए, जिसमें कोई ऐसी बंकर वाली चीज़ ना हो। इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।